नमस्ते भारत, बांबू फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं बांबू ग्रोवर चिराग किसान, और आज चलते हैं फिर से बांबू के एक नए फार्म के अंदर में। आज हम आए हुए हैं मोरबी के अंदर में, ग्रीन बांबू का एक फार्म है वहाँ पे, और हमारे साथ फार्मर मित्र भी है और उनसे परिचय भी लेते हैं और समझते हैं कि वो क्यों बांबू लगाना चाहते हैं और बांबू क्यों हमारे लिए एक आइडेंटिटी बन सकता है, क्यों बांबू हमारे लिए इनकम का सूत्र बन सकता है, और वो क्या सोच के बांबू को आए थे और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी। हिंदी के गुजराती शू तमने बनने चाले? बराबर छे, तो हिंदी में ज बात करिए आपणे, एटले ताकि हिंदी के हमारे जितने भी दर्शक मित्र है उनको भी वो इजी रहे। खास तौर पे आप बांबू के लिए क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों आज आप हमारे साथ में मिले हैं और क्या हमसे आप आशा रखते हैं? इसमें ऐसा है कि समझ लो मेरा इंडस्ट्री से मेरे पास टाइम नहीं रहता है बरोबर जी, और मेरे पास ज़मीन है इसे भी फालतू पड़ा है, तो उसको ऐसे ही रखूँ जी, उससे अच्छा मैं कोई उसके अंदर प्रोडक्ट उगा दूँ जिसमें मेरे को भी टाइम थोड़ा मिले और इसके अंदर ये बांबू मेरे को उसमें अच्छा लगा। उसमें क्या है नीलगिरी ये सब होता है, लेकिन इसमें क्या है कि एक बार बो देना है, बाद में इसमें कोई झंझट नहीं है बरोबर। खेती में सिर्फ इसमें पानी देना पड़ता है जी, और खाद में तो इसी में से हो जाता है। एक बार समझ लो सब लगा दिया, सेटअप कर दिया, फिर इसमें ज़्यादा कोई मेहनत का ज़रूरत पड़ता नहीं है। बराबर। और उसमें क्या होता है कि कभी कभी खेत के अंदर ऐसा होता है कि अपन को आदमी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब उनको आदमी नहीं मिलता है, हाँ। तो क्या करें, तो उसके ऑप्शन में ये आदमी इसमें ज़रूरत भी कम पड़ता है बरोबर। अभी इंडस्ट्री जितना है कि सब आदमी उसमें चला जाता है, खेत में अभी कोई काम करने का ये राजी नहीं है बरोबर। तो इस हिसाब से मेरे को ये फार्म में मेहनत भी कम है जी, और इसके अंदर अपना समझ लो 5 वर्ष के बाद आपका एक फिक्स इनकम जैसा हो जाता है। बराबर है। बराबर वो, और ये कोई भी जमीन हो उसके अंदर आराम से डेवलप हो जाता है जी। और जिसमें जिस जगह पे समझ लो कि दूसरी इसके अंदर हम नहीं लगा रहे, दूसरा हाँ। कोई प्रोडक्ट लगा रहे, तो उसके अंदर आदमी का भी जरूरत पड़ेगा और उसको आपको टाइम भी देना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा और पानी भी आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। इसमें भी पानी तो देना ही पड़ता है, लेकिन उसके अंदर जो मेहनत करना पड़ता है इसके अंदर मेहनत कम करना पड़ता है। समय की जो निश्चितता है वो रूटिंग पार्क के अंदर में रहती है। आप मौसम को चूक गए, टाइम को चूक गए, तो फिर उतना निपज भी नहीं निकल सकता है। जबकि बांस के अंदर में आप प्लस माइनस कुछ भी करें तो उतना फर्क जो है इसके अंदर में नहीं आता है। खासतौर पर सिर्फ अपना पानी कैसा है उसके हिसाब से अपन एक चॉइस कर ले कि कौन सा वेराइटी अपने लिए सही रहेगा, तो पहली चॉइस आपकी सही रहेगी तो उसके बाद में सारा कुछ ईजी हो जाता है। इसमें भी मेरा भी ये बांबू लगाने का यही डिसीजन है कि मेरे पास भी समझ लो अभी 22-25 बीघा जमीन है बराबर, तो मेरे को ये 15 बीघा में मेरे को इसको यूज करना है, अभी लगाना है, तो मैं इसमें से अभी एक बार लगाऊंगा तो दूसरा जमीन जो मेरा फाजल पड़ा है तो उसके अंदर भी मैं ये वेराइटी सब अलग अलग लगाएंगे, तो पहले एक वेराइटी में अपन को इसमें अपन को अच्छा समझ मिला, में आ जाएगा, कौन सा अच्छा मिला जी, तो अपन दूसरी बार भी वही वेराइटी दूसरे खेत में भी लगाएंगे। यस बराबर, वो सब ऐसा है इसमें। यस अरुण भाई, सब इंडस्ट्रीज के अंदर यूज आ जाता है ना जी, कहीं कहीं भी आप उनको समझ लो इसमें फर्नीचर में लगता है, प्लाईवुड में चल जाता है, यस अगरबत्ती में चलता है जी, व्हाइट कोल में चलता है, बिल्कुल सब इंडस्ट्रीज में काम लगता है और रेगुलर है ना, किसी भी चीज में लगाओ सब में चल जाएगा बराबर। और जो अमुक दूसरी क्वालिटी अपन लगाते हैं तो उसका एक फिक्स होता है कि भाई अपन को ये इसी क्वालिटी में चलेगा जी, सब जगह पर उसका यूज नहीं हो पाता है। जबकि बांबू ऐसा है जो अलग अलग 40 इंडस्ट्री में अलग अलग यूज में आ सकता है, और इसी में से फिनिश गुड्स बनाए तो 1000 से लेकर 1200 से ऊपर प्रोडक्ट स्टिल टूडे पूरे विश्व के अंदर में बन रहे हैं। जबकि भारत अभी शुरुआती स्टोर पे है, फिर भी हम भारत के अंदर में कम से कम 80 से 90 आइटम्स यहाँ पर बनते देख रहे हैं जो बांबू से बन रहा है, और गुजरात सबसे अव्वल में है इंडस्ट्री के तौर पे कि आप अलग अलग इंडस्ट्री को यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर जेके पेपर मिल जैसे 40 साल से भी प्लस के सिचुएशन से वो लोग पेपर बना ही रहे हैं जो बांस में से बनते हैं, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, अगरबत्ती, पतंग इंडस्ट्री, ऐसी काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ है जो बांबू से हम बना सकते हैं, और अलग अलग टाइप के बांबू आते हैं। आप भी अपने क्षेत्र के बांबू को समझिए,
उसकी गुणवत्ता को समझिए, किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ा पाते हैं, आपके पास जमीन पानी मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझिए, तो आपको बाम्बू को चॉइस करने में इजी रहेगा। टेम्परेचर, पानी की क्वालिटी और आपका प्रैक्टिस कैसा है, इस पे निर्भर करता है कि आप बाम्बू को कितने साल में और कितना बढ़िया ग्रोथ लेवल पे ले आएंगे। मिनिमम कोई भी पोल जब ज़मीन में से बाहर निकलता है तो 36 महीना लगता है उसको मैच्योर होने में, उसके बाद में वो आगे आप कटिंग पे हार्वेस्टिंग पे उसको ले सकते हैं। ज़मीन में से निकला हुआ पोल 36 महीना लगाएगा मैच्योरिटी के लिए, मिनिमम 36 महीना। अलग अलग वेराइटी अलग अलग तरीके से वजन दे सकती है, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड जो है वो एक जैसा रहता है। तो आइए हमारे साथ में और बाम्बू को और ग्रो करते हैं, अपने लिए और अपनी आगे की पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन को और बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।